रहे हैं वी नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब रैली रद्द होने के बाद कुछ फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनकी सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं इस खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई, प्रधानमंत्री को वापस आना पड़ा, सुरक्षा में चूक हुई, इसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां तरह तरह के अफवाह फैलाती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल कुछ अराजक तत्वों द्वारा प्रधानमंत्री के रैली के फोटो और वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रैली में वहां पर कोई नहीं आया था, कुर्सियां खाली पड़ी थी, इसलिए प्रधानमंत्री वापस लौट गए। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से फेक है और ये वीडियो पुराना है, जिसे लोग प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से वापस आने से जोड़कर देखते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पर भारी संख्या में रैली में लोग पहुंचे थे, लेकिन बारिश और प्रधानमंत्री के सुरक्षा में बड़ी चूक की वजह से प्रधानमंत्री वापस लौट गए, जिससे जनता नाराज हो गई और वापस लौट गई। आपको बता दें कि ये वीडियो और फोटोज पूरी तरीके से फेक हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार।